विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे देवघर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी नारायण दास लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने मोहनपुर के डुमरथर गांव में जनसंपर्क किया। नारायण दास ने सबसे पहले डुमरथर हनुमान मंदिर में माथा टेका और उसके बाद वहां के लोगों से मुलाकात की, साथ ही अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में झारखंड ही एक राज्य है जहां महिलाओं के लिए 1 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री होती है। लोगों का जन समर्थन देखने के बाद लगता है कि इस बार विपक्षियों की जमानत जब्त हो जाएगी। झारखंड हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रदेश है जहां महिलाओं के नाम से 50 लाख रुपए की संपत्ति जो है 1 रुपया में रजिस्ट्री होती है। आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज हुआ, तो सरकार के साथ लोग खड़े हैं और सारे लोगों के चेहरे पर जो प्रसन्नता का भाव है, इस बात का संकेत है कि देवघर पुनः हम अधिक मतों से जीतेंगे और विपक्षियों का जमानत जब्त हो जाएगा।